तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल तरीके से कैसे आप अपने फ़ोन के अंदर काफ़ी इजी तरीके से DND सेटिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। हम डू नॉट डिस्टर्ब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा गाइस, और उसको इनेबल करने के क्या फ़ायदे रहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बट गाइस, यहाँ पर सिंपल तरीके से DND के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, इसको हम इनेबल करेंगे और इसकी सेटिंग्स आप जरा समझ लें। DND होता है गाइस सिंपल तरीके से कि गाइस आपके पास कोई भी साउंड या कॉल वगैरह आपके पास नहीं आएगी, मतलब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी भी तरीके से। आपका फोन बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे मर गया हो, मतलब डेड। यहाँ पर आप DND एक्टिवेट करेंगे तो कॉल्स, मैसेज, ऐप्स, ये सारी सेटिंग्स यहाँ से आपकी अप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे इनको आप कस्टम भी कर सकते हैं। जैसे गाइस, यहाँ पे एक सेटिंग मिलेगी आपको अलाउ रिपीटेड कॉल्स। अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो आपके पास एक बंदा बार बार कॉल कर रहा है, 15 मिनट के अंदर सेम नंबर से कॉल करेगा तो आपका फोन रिंग कर जाएगा। एनीवन पर अगर क्लिक कर देंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉल कर सकता है। कॉन्टैक्ट पर रखेंगे तो गाइस आपके पास जितना आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर नंबर सेम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसका आपको साउंड भी सुनाई देगा। ध्यान में रखना है आपको इसी। ओके, तो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा बैक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे और, जैसे कि इसको आप सिंपल तरीके से अलार्म्स और ये सारी सेटिंग्स, मैसेज के लिए, ऐप्स के लिए सारी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप शेड्यूल करना चाहें तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे रात के 10 बजे आप चाहते हैं कि रात के 10 बजे के बाद मेरे को कोई भी कॉल नहीं आए, मैं साइलेंट चाहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस, हम मिलेंगे आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।